बात करेंगे धमतरी की, जहां पर जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 14 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 14,10,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नाकाबंदी कर अवैध गांजा तस्करी की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही थी, तभी उड़ीसा की तरफ से आ रही कार को बुराई थाने के सामने बैरियर नाके के पास संदेह आधार पर रोक की और उस पर चेकिंग किया, जिसमें एक युवक से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम डमरू हंताल उड़ीसा का रहने वाला बताया है और आरोपी के पास से मोबाइल, कार, नकदी रकम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना क्षेत्र के अंदर बॉर्डर पे एक जो चेकिंग का पॉइंट लगा हुआ है, उसपे आज एक गाड़ी पकड़ आई सस्पेक्ट थी, जिसपे चेक करने पे गांजा मिला, जिसपे NDPS एक्ट की तरह कार्रवाई की जा रही है। मुंजिम जो मलकानगिरी का था वो लेके यूपी की तरफ जा रहा है, आगे और पूछताछ की जा रही है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।